कैसे हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, मटर आलू गोभी की खिचड़ी। यहाँ चावल मैंने पानी में डाल दिया है, 5 मिनट हो गया चावल डाले हुए। यहाँ प्याज एक बड़ी साइज की कटी हुई, हरी मिर्ची दो, एक टमाटर। यहाँ मैंने लिया मसाला। यहाँ मैंने डाला कुकर, कुकर में डाल दिया चमची जीरा। अब डाल दूँगी इसमें प्याज, प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मैं डालूँगी मसाला। मेरी खिचड़ी की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं डाल दूंगी 1 इंची नमक। प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैं डाल दूंगी गोभी मटर आलू, सबको 3-4 मिनट के लिए कढ़ाई में दूंगी। गोभी मटर आलू 5 मिनट फ्राई हो चुके हैं, इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च, इसको भी 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर देते हैं। फ्राई हो चुके हैं, इसमें अब डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, गोल मिर्च जीरा का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। मैं डालूंगी गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप पानी। इसको ढक दे। मेरे 5 मिनट हो चुके हैं, इसमें डाल दूंगी अब मैं चावल। मैं अब डाल दी हूँ मैं पानी। अब मैं लगा दी कुकर का ढक्कन। अब मैं 2 सीटी इसको होने देती हूँ, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी। गर्मा गर्म मेरी खिचड़ी बनकर के रेडी है दोस्तों। ये रही मेरी खिचड़ी।